Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने भारत को स्वतंत्र घोषित नहीं किया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य मुख्य आंदोलनकारियों ने इस दिन को ही स्वतंत्रता दिवस घोषित कर अपने आंदोलन को और अधिक तेज कर दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। 1930 से आंदोलन और संघर्ष चलते रहे, इसमें हजारों लोग ने अपना बलिदान दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को वास्तविक आज़ादी मिली। प्रमुख सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान निर्माण में 22 समितियाँ थी, इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इनका मुख्य काम संविधान का निर्माण करना था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रकार संविधान का कार्य पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे देश में लागू हुआ। इसके साथ ही संविधान सभा ने भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार हमारा देश भारत संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित हुआ। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है। वैसे तो देश भर में गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इसकी शोभा देखते ही बनती है। इस अवसर पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश और विदेश के विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। आम लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। यह विजय चौक से प्रारंभ होकर इंडिया गेट होते हुए लाल किले पर समाप्त होता है। इस अवसर पर भारतीय सेना द्वारा एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, थल, वायु और नौसेना मुख्य रूप से भाग लेते हैं। इस समारोह में विद्यालयों से NCC के बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सेना द्वारा अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों और टैंकों का प्रदर्शन किया जाता है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इंडिया गेट में स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस परेड में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शनी का प्रदर्शन होता है। उनकी लोक संस्कृति, लोकगीत का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। जो लोग परेड नहीं जा पाते, वे घर बैठकर भी टेलीविजन से सीधा प्रसारण देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से फूलों की बारिश होती है, बहुत ही मोहक दृश्य होता है। कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं, इनमें मुख्य रूप से वीरता के लिए बच्चों और सैनिकों के पुरस्कार शामिल हैं। इस दिन देश अपनी उपलब्धियों को शेयर करता है कि हमने क्या हासिल किया और आगे हमें क्या करना है। स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने बलिदान किया, लेकिन क्या सही मायने में हम जाति और धर्म के बंधन से मुक्त हो पाएं? गांधी जी के सर्वधर्म समभाव से हम कोसों दूर हैं। हमने वैज्ञानिक उपलब्धियां तो हासिल की है, लेकिन हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। आपस की प्रतिस्पर्धा में हम स्वार्थ को अपना लेते हैं। एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में हम कब अपने मूल कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। ज़रूरत है एक ऐसा माहौल बनाने की, जिसमें हम स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे के कल्याण को सर्वोपरि महत्व दें। तभी हम विश्व में अपनी वास्तविक पहचान बना पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।